हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ आइडिया। मैं हूं आप सबकी दोस्त मीना और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा DIY। तो गाइस, आज मैं बात कर रही हूं फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज की, जो कुछ ऐसा सा दिखता है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रोस्टेड है, एक्चुअली मैंने अलसी का बीज लेके आई मैं और इसको रोस्ट किया मैंने। इसको 5 मिनट तक सेकना है, बस ये रोस्ट हो जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और ये बहुत ही बेनिफिट है इसके, ये फ्लैक्सीड जो है ना, ये सुपर फूड के नाम से जानते हैं। आप चाहो तो इसे गूगल करके देख सकते हो इसे कितने फ़ायदे हैं। मैं कुछ भी आपसे झूठा या कुछ भी गलत प्रॉमिस नहीं करूँगी, गलत चीज़ें आपको शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को से गलत चीज़ें करके कुछ मिलने नहीं वाला। और मैं एक बार गलत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन सब आज के टाइम में पढ़े लिखे सबको गूगल करना याद आता है यार। अगर कुछ भी गलत मैं शेयर कर दूंगी तो 1 से 2 बार आप मेरा चैनल देखोगे, उसके बाद मेरा चैनल देखना छोड़ दोगे। इससे नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। तो गाइस, आप ये यकीन मानिए, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ पूरा रिसर्च करके, पूरी चीज़ें खुद पे इस्तेमाल करके तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसी वैसी कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि तो गाइज, मैं इसके बेनिफिट्स बता दूँ, इसके बेनिफिट्स क्या है। ये फ्लैक्सीड यानी कि अलसी का जो बीज होता है ना, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर होता है, मैंगनीज होता है और ना जाने बहुत कुछ होता है। मैं क्या क्या बताऊँ भूम, मैं एक एक चीज़ आपको इतने छोटे से वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगी, इसमें जो चीज़ मैंने बताई है ना, वो वेजिटेरियन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, वो वेजिटेरियन में 95% लोगों की बॉडी में कम ही होता है, क्योंकि हम वेजिटेरियन कुछ ऐसा न्यूट्रिशंस लेते ही नहीं है। इनफैक्ट हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें लेना क्या है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर कमी हो जाती है। और इस कमी के कारण न जाने हमें कौन सी बीमारियों से जूझना पड़ता है, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और आज के टाइम में हर दूसरे घर में तीसरे लोगों को ये प्रॉब्लम होनी ही है। कोई कह रहे हैं हमारी स्किन डल हो गई है, हमारे स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं, जा ही नहीं रहे, हमारे बाल रुखे बेजान कैसे अजीब से हो गए हैं। ये चीज़ यूज़ करने के बाद आपको अपने बालों से, अपनी स्किन से प्यार हो जाने वाला प्यार। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये फॉर्मूला वर्क करना ही है। मैं इतनी श्योर क्यों हूँ, इसके लिए आपको ट्राई ज़रूर करना है। ऐसे में इतनी श्योर हो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी ना चीज़ें। जब तक आप श्योर नहीं होते, आप खुद पे यूज़ नहीं कर सकते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रही हूँ कि ये 100% वर्क करना ही है। तो गाइज, मैं इसको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको लगाना कैसे है, इसको बनाना कैसे, मैं सब बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जिन लोगों ने मेरा साथ चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में मैं हो सकता है आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी शेयर करूँ। तो जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ इंटरटेनिंग सा चाहिए आपको मेरे चैनल पर, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा। अगर बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियो मिस हो जाएगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मैंने वीडियो अपलोड किया है या ब्लॉग अपलोड किया है, और आप लोग को मेरा वीडियो मिस हो जाएगा। तो गाइज, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप लोग सब देखते हो, भूल जाते हो यार, प्लीज ना लाइक मेरा वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे लाइक वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और हाँ, मेरे वीडियो को एंड तक देखना। मैं अपने जनरली अपने वीडियो के एंड में रेमेडी और रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं बीच में बाय बोल देती हूँ तो वो वीडियो मेरा ख़त्म हो गया। मैं वीडियो एंड तक देखिए, मैं आप लोगों से वीडियो के बाद नहीं मिलने वाली होती, इसीलिए मैं आपको बाय बोल के चली जाती हूँ, अपने रेमेडी पे एंड कर देती हूँ। तो गाइस, मेरी रेमेडी देखना मत भूलना, मेरी रेमेडी को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सके। दूसरों का भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, दूसरों को भी मिल जाए, वो लोग भी कुछ कर सके। और हाँ, मेरे नुस्खे को प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक उनके बेनिफिट्स आपको समझ नहीं आएंगे ना, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं वाकई में जो चीज़ बता रही हूँ वो अच्छी बता रही हूँ या फिर जैसे भी। और मैं बहुत महंगे फार्मूले कुछ नहीं बताऊँगी आपको। और हाँ, मेरे आप लोग कमेंट नहीं करते हो, फिर भी मैं बोलती हूँ आप लोगों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, बना के लगा के, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियो देख पा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, आप लोग को यूजेस मतलब बेनिफिट आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग मेरे को लाइक करते हो ना मेरा वीडियो, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती हूँ, तो आप लोग का एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आपका कुछ नहीं जाता, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने में बहुत खुशी होती है गाइज। तो आप लोग मेरे वीडियो लाइक जरूर करना। और गाइज, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आऊँगी।
फ्लैक्सीड को खाना कैसे है। फ्लैक्सीड को रोस्ट करके यानी कि भून के आप इसको सेक लेना है। आपको इसको ब्रेकफास्ट के बाद एक चम्मच फ्लैक्सीड खाइए और दो तीन सिप पानी पी लीजिए ताकि ये गले में अटके ना। और गाइस ये रोस्ट करके खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल नट्स यानी कि मूंगफली वगैरह के जैसा लगता है खाना। और गाइस ये थोड़ा गर्म होता है तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसको खाने में यूज़ ना करें, इसको आप ठंड के टाइम यूज़ करें। और इसमें इसके बेनिफिट क्या क्या है, इसको खाने से क्या होता है, आपको स्किन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कभी नहीं होंगे। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहेगा जिससे आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं होगी। और आपके हाई बीपी को नॉर्मल करेगा यानी कि लो करेगा। और आपकी स्किन में किसी तरह की रैशेज, किसी तरह की जलन, किसी तरह की इरिटेशन हो रही है तो इसके जेल जो मैंने वीडियो में बनाना सिखा रही हूँ आपको, सिखाऊंगी, वो लगा लोगे तो आपके उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ये। आपके स्कैल्प, इची स्कैल्प को ठीक करता है, ड्राई स्कैल्प को ठीक करता है, डैंड्रफ ठीक करता है, स्प्लिटेंस हो जाते हैं बाल में, दो मुहे बाल जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं उसको ठीक करता है, आपके फॉलिकल्स को ठीक करता है, इलास्टिसिटी अगर कम हो गई है तो उसको ठीक। मतलब कितने सारे फायदे आप देख रहे हो, मैं बोले जा रही हूँ ख़त्म नहीं हो रही है। और कुछ चीज़ तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं भी कर पाऊंगी, नहीं भी बोल पाऊंगी, वीडियो बहुत छोटा होता है, इतनी सारी चीज़ें बताने मुश्किल होती है। रूखे बेजान बालों में जान डाल देता है, एकदम मॉइस्चर से भर देता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन को। और हाँ गाइज, ये मैंने जेल बनाया है, जेल कुछ ऐसा सा दिखता है। इसको आप फ्रिज में 20 से 25 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर, किसी भी एयर टाइट साफ सुथरे, या तो कांच का जार ले लो या प्लास्टिक का साफ सुथरा सा जार ले लो, उसमें आप स्टोर करके इसको रख सकते हो। अगर आप बाहर रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो सनलाइट से दूर रखना। और इसको 1 वीक से 10 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना, आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते अगर बाहर रखते हो, फ्रिज में रखते हो तो 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो ये होती है ईवीओन 400 mg की कैप्सूल, विटामिन ई है ये, देख लीजिए, ये 25 से 30 रुपये में आपको ये पूरा पत्ता, 10 टैबलेट का पत्ता मिल जाता है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है कैप्सूल, इसके अंदर ऑयल होता है, इसको काटना है, स्क्वीज करना है। अपने जेल में इतने बड़े बॉटल में 2 या 3 कैप्सूल मिक्स कीजिए, अपने फेस पे, अपने बालों पे इसको मसाज कीजिए, आपका अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। आपके बाल लंबे हो जाएंगे 15 से 1 महीने के अंदर, आपको नजर आए, आपको अपने अपनी स्किन से, अपने हेल्थ से, अपने बालों से प्यार होने लगेगा, आपको इतना कमाल का रिजल्ट ये देता है। तो गाइस इसको ट्राई करना ना भूलें। और इसको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है, 20 से 25 मिनट के लिए रखना है, फिर इसको शैम्पू कर लेना है, अपने चेहरे पे लगा के रात को सो जाइए। विटामिन ई की कैप्सूल नहीं भी डालेंगे तो भी उतना ही असर करेगा, डालते हो तो उसको डबल फायदा नजर आता है। किसी भी क्रीम को आप खरीदते हो तो आपके इंग्रेडिएंट्स चेक करना, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स होती है। ये मार्केट में बहुत महंगी मिलती है स्किन जेल, लेकिन ये मैं बहुत सस्ता वाला सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ गाइस। तो परचेज कीजिए, किसी भी मेडिसिन मार्ट में, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आपको इजीली अवेलेबल होता है। तो गाइस इसको लगाना है, स्कैल्प पे मसाज करना है, लगाना है, 20 मिनट के लिए रखना है, फिर शैम्पू कर लेना है। इसका ऑयल भी आता है फ्लैक्सीड का, उसको भी अगर आप कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाते हो तो उसके भी बेनिफिट इक्वल मिलते हैं। सो खाने में ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं मुझे बनाना कैसे है, इसको बना के मैं दिखाती हूँ। और मैं वीडियो के पास गाइस नहीं आऊँगी, इसीलिए मैं आपको बीच में ही बाय बोल देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैं वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस इसको बनाना सीखते हैं। इसके अल्टीमेट से मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, खतरनाक फ़ायदे हैं इसके, बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं, मैंने आपको सारे फ़ायदे बता दिए। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको यूज़ करते हैं कैसे। तो गाइस इसे यूज़ करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलना है आप लोगों को। तो गाइज मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार मुझे बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए और क्या। और गाइज मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ब्लॉग्स, वीडियोस, रेमेडीज सब लेके आऊँगी, आप लोगों का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी मैं। और ये 100% ये नुस्खा वर्क करेगा ही करेगा, तो इस्तेमाल कीजिए इसे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग करते नहीं है फिर भी मैं बोल रही हूँ कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और अगर लाइक करोगे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी मुझे। तो गाइज मेरे साथ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, रेमेडी सीखे उसके बाद जाइए। और आप लोग इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। बाय बाय, टिल देन बाय बाय। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग, वीडियो, वॉट एवर मैं लेकर आती हूँ। देखिए आप लोग खुश रहिए, नमस्ते। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा फिर जाइएगा। बाय।
एक ग्लास पानी लिया है जिसको मैंने गर्म होने रख दिया है। अब मैं 2 चम्मच फ्लैक्सीड ले रही हूँ यानी कि अलसी का बीज, जिसको मैं गर्म पानी में डाल दूंगी और इसको चम्मच से चलाऊंगी। बीच बीच में मैं चलाती रहूंगी। जब ये गर्म होने लग जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे इसके ऊपर एक फेन फेन सा मतलब झाग जैसा ऊपर आने लग गया। उसको मैं उठा उठा के मतलब चम्मच में दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। जब गाढ़ा होने लग जाएगा तो पूरा जेल फॉर्म है, जैसे एलोवेरा जेल या फिर बहुत लसलसा सा चिपचिपा सा टाइप का आपको एक तार जैसा बनने लग जाएगा। बहुत गाढ़ा थिक हो जाता है, ये आप खुद देख के समझ में आएगा। जब आप खुद बनाते हो तो समझ में आती है चीज़ें। एक्चुअली मैं गैस ऑफ कर दिया, मैंने ठंडा होने दिया है। एक्चुअली इसको नेट या किसी कपड़े में छानना होता है, वो कपड़ा मैंने कहीं रख दिया था, मुझे मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इस तरीके से छाना है। अब ऊपर ऊपर का जेल मैं इस बॉटल में डाल रही हूँ। एक्चुअली देखिए वो आपको साइड में दिखेगा जो ड्रॉप गिर रही है, तो बहुत गाढ़ा है ये। फिर लास्ट में मैं दिखाई हूँ, मुझे वो कपड़ा मिल जाता है, मैंने नेट में ही छाना है। सारा प्रोसेस आपको उसी तरह से करना है गाइज। मैंने शुरुआत में आपको ये बात नहीं बताई, अभी मैं बता रही हूँ कि ये आपकी स्किन जो ढीली झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो स्किन लूज़ हो जाती है ना, उसको टाइट करता है। अपने हाथ पैर नेक फेस कहीं पर भी लगा सकते हो, आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देता है। आप अपने ऐसे ज़्यादा यंग दिखोगे इसको लगाओगे तो। आपके ओपन पोर्स को भी ठीक करता है ये। अपने बाल हेयर अपने स्किन कहीं भी इसको लगाओ, उसके खाने में भी इस्तेमाल करो। अपने रायता जूस दही कहीं पर भी रोस्ट करके इसको पाउडर बना के भी आप खा सकते हो। आपको बहुत हेल्दी सुपर फूड है ये। तो गाइज इस तरह से आपको स्टोर करना है, काफ़ी साफ़ सुथरे हाथों से निकालना है। देखिए इस तरीके से आपको किसी भी कपड़े में या नेट में सारे जल को डाल के ऐसे इसको ऐसे दबा दबा के इसको निकालना है गाइज। और हाथ आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना है आपको, क्योंकि आपको स्किन पे लगानी है, बालों पे लगाना है। गाइज इस तरह से सारा जल निकाल के अपने बॉटल में स्टोर कीजिए। विटामिन ई की कैप्सूल मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मिलाते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 20 से 25 दिन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू।